हेलो गाइस, मानव सर सब मैं मोहम्मद अशरफ मैं रहमतुल्ला आप देख रहे हैं दोस्तों। आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक से शुरू कर देंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चलते हैं आज की वीडियो में। पाकिस्तान अग्नि फाइव मिसाइल पर क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने अग्नि फाइव का फ्री टेस्ट किया, तो इस पर पाकिस्तान की आवाम की क्या राय, पहले सुनते हैं आवाम की राय क्या चीखती चिल्लाती है, फिर बात करते हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का, और ये वीडियो है अग्नि फाइव मिसाइल टेस्ट के ऊपर। आप सबको तो पता ही है कि अग्नि फाइव मिसाइल टेस्ट का हाल ही में भारत ने सफल परीक्षण किया है, और इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट क्लियर किया है अग्नि फाइव मिसाइल का, इस हवाले से आप क्या कहें? यार ये तो हक है उनका कि वो अपना दिफा करें, और अपने दिफा में अपनी वेलफेयर में वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें, लेकिन हमारा जो गौरी है वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो है, मैं समझता हूँ कि अब ये एटम बम का ज़माना चला गया है। अब जो अगला टाकरा है ना जी, वो अगला टाकरा सिर्फ वेल्थ के ऊपर होगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। अगली जो जंग होगी वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग होगी हमारी, और इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फाइट में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा जंग को जीतने का, सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन होगा जंग जीतने का कि ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर। सर अगर आप दौलतमंद हैं आप दुनिया की हर जंग जीतेंगे। आप देखें सुपर पावर जो है अमेरिका, आप देखें जो पैसे में हमसे तगड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी में हमसे तगड़े हैं, वो अपने हथकंडे भी आप आजमाते हैं, वो अपनी लॉबी भी बनाते हैं, और उनकी जो इंटरनेशनल लॉबी होती है या जो उनके मफाद के लिए जो लॉबी क्रिएट की जा रही होती है वो जिस मर्जी मुल्क से चाहे मफाद हासिल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जो जिस लॉबी ने काम किया वो आप सबके सामने, अफ़गानिस्तान में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने, सीरिया लबनान इराक में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने है। इट्स टाइम टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी की जानिब जाना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे तो फिर भारत चाहे जो मर्जी बनाए, हम हमेशा की तरह भारत को धूल चटा देंगे। इस हिसाब से तो भारत जिस तरह अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं देखा भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, अभी अभी तो वो काम कर रहा है ना, जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तब सब ठुस हो जाएगा। पहले कितने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उनका? सर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा या हुआ है तो मैं मुझे इस बारे में कोई इतना ज़्यादा अभी हॉन हो नहीं है, लेकिन अगर इनका ये सक्सेसफुल हुआ है तो वो मत भूले कि हम भी वेल पावर्ड हैं, हम भी वेल मसल्ड हैं, तो हमने हमेशा धूल चटाई है, अब भी चटाएं। आप मिसाइल की बात कर रही हैं, मेरी नज़र में तो बहुत चीज़ों में आगे निकल चुके भाई साहब, इसका उल्टा है, धूल चाटी है आप लोगों ने हर बार। 48 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, 84 का सियाचिन हो, अभी बालाकोट में घुसकर मारा हो, हर बार तो झूठ धूल चाटी है आपने ना यार। झूठ बोलने ना हकलाने लगते हैं। तकनीक में भारत आपसे इतना आगे है कि आपको ना 100 साल लगेंगे कंप्लीट करने में, और जब तक आप हमारा आज का जो लेवल है ना, जब तक आप उस लेवल पर आओगे तब तक हम 200 साल और आगे चले जाएंगे। जल्दी ही हम अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाले हैं, इंसानों को भेजने वाले हैं। आप तो एक रॉकेट तक नहीं बना पाए जो आसमान में भेजो, समझे आप? तो तकनीक में तो भाई साहब मदरसे वाली पढ़ाई से आ नहीं सकती है, उसके लिए आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाकर आने वाले 50-60-100 सालों में आप थोड़ी सी तरक्की कर पाओगे तकनीक में, समझ रहे हो आप? अभी तो बस जुगाड़ से काम चल रहा है आपका, इधर से ले लिया उधर से ले लिया, जुगाड़ से काम चल रहा है, कुछ भी नहीं बनाते हो आप लोग, कुछ भी नहीं, नथिंग। जहां तक बात रही मिसाइल्स की, मैं तो देखता रहता हूँ, न्यूज फॉलो करता रहता हूँ, तो मिसाइल को अगर साइड पे रख के बात करें ना तो ऑलरेडी काफी चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लीजिए, डे बाय डे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है, कितनी जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नजर में तो बहुत अच्छा काम है,
कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो, और जहाँ तक इस मिसाइल की बात है तो इससे अब इंडिया और जैसे कह सकते हैं पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, ऑलरेडी पावरफुल था लेकिन अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हुए हैं तो वो उसके साथ बआसानी खेल सकेगा, अब किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। टेस्ट किए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है। ये तो मैं मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इवन कि सब ऐसी कंट्रीज़ को करना चाहिए कि ये मिसाइल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी अगर दुश्मन या किसी से भी इंसान को डेंजर जोन नज़र आता है तो उनके पास कोई वेपन्स कोई इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे वो? यानी कि भारत का जो इकदाम है, जो उसने टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, मिसाइल जो टेस्ट किए हैं और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो ये वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जाहिर बात उन्होंने 5 टेस्ट भी किए हैं, उनमें भी वो सक्सेसफुल ही रहे हैं, तो ये तो हर कंट्री को करना चाहिए। डजंट मैटर हमारे लिए, पाकिस्तानी के लिए तो कुछ भी मैटर नहीं रखता, क्योंकि वर्ल्ड जानता है कि हम भी एकेडमी ताकत हैं। तो अभी आपके सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, वो हमारे लिए बहुत काम कर चुके हैं, करके जा चुके हैं, और अभी हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अब्दुल कदीर का नाम लिया आपने, अब्दुल कदीर के साथ आप लोगों ने क्या किया? अब्दुल कदीर को आप लोगों ने पता नहीं इतना बेइज्जत किया है आप लोगों ने यार अब्दुल कदीर को, और भले ही वो तकनीक नॉर्थ कोरिया से चुरा कर लाएं या कहीं से हासिल करके लेकर आए, लेकिन उन्होंने आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? आप लोगों ने बड़ा बेइज्जत किया यार, बहुत बेअदबी की उनके साथ। एक हमारे मिसाइल मैन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमने उनको अपना राष्ट्रपति बनाया, आज वो हर बच्चे बच्चे की जुबां पर उनका नाम है, हमेशा सम्मान के साथ हाथ जुड़ जाते हैं उनका नाम लेते हुए, आप समझ रहे हैं? तो अपने हीरोज को कैसे सम्मान देना है वो आपको भारत से सीखना चाहिए। उन्होंने एक किया तो हमारे जागी के मुकाम पर भी हुए, और इससे पहले फ्यूचर्स में काफ़ी हो चुके हैं, सो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस हवाले से किसी किस्म की नहीं हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। कि अगर बात करें हम इसके रेंज के हवाले से, तो इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और इस ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिज़ाइल की रेंज, इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है, चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल, मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है, क्या वो चाइना मतलब खत्ते में दोनों आपको पता है जैसे कि कंपटीटर बन चुके हैं, क्या वो उसकी टक्कर पर खड़ा होता जा रहा है इंडिया चाइना की, आप इसको कैसे देखें? देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान वर्सेज इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना वो इंडिया अब जा रहा है चाइना की तरफ। जिस तरह चाइना ने अपने आप को साबित किया ना इस दुनिया में, कितना पावरफुल चाइना ब्रांड बन चुका हुआ है कि USA तक उससे डर रहा है, तो अगर हम देखें इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा, ना फ्रांस को कर रहा है, ना USA को, वो चाइना के साथ कंपीट करने जा रहा है, चाइना को अपना कंपेटिटर बना के उनके खिलाफ जा रहा है। और 5000 आपने रेंज बताई है इसकी मिसाइल की, तो मेरी नज़र में तो इस क्वाइट हाई, तो अब चाइना भी मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, और चाइना हम सब जानते हैं कि जितना इस वक्त तरक्की कर रहा है, तो मतलब ये दोनों सुपर पावर्स हैं इस वक्त एशिया की, मे बी ये वर्ल्ड की भी सुपर पावर अनकरीब बन जाए दोनों, भारत को और चाइना को, कि अब चाइना और जो भारत है या इंडिया है या विदेश कह लें, कि वो अब आपस में कहीं उनकी टक्कर होगी तो ऐसा सोचा जा सकता है। हमें अपने चाइनी दोस्त पर, हमें अपने दोस्त मुल्क चाइना के ऊपर बड़ा गर्व है, और वो उन्होंने तो भाई अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, अब अगला जो सुपर पावर है वो आपका चाइना बनने जा रहा है। अगर कहीं इंडिया का ये ख्याल है कि वो इस जंग में चाइना को पीछे छोड़ेगा, इस जंग में वो चाइना के ऊपर ओवरकम करेगा, तो ये सब उनकी खाम ख्याली है, ये उनके ख्याली पुलाव हैं, ये उनका वो चिल्ली चाट है, बल्कि वो चिल्ली चाट आप बोल दें कि वो चिल्ली चाट है सर, इस चल्ली चाट के अलावा उनके सिर्फ ये खाम ख्याली के अलावा वो गधे घोड़े पालें, वो इस तरह के खाम ख्याल पालें, उनका काम नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला करें। चाइना जो है इस टाइम वो, अरे गधे तो आप पालते हो ना यार, गधे पालते भी और गधे बेचते भी हो, गधे एक्सपोर्ट भी करते हो आप, गधे तो आपके यहाँ के फेमस है ना यार। और रही बात जिस लॉजिक की बात कर रहे हो ना आप, एक तो ये बड़ा शर्मिंदगी भरा है कि मेरे पड़ोस में जो है मुझे उस पर गर्व है, अपने आप पर नहीं है, अपने आप को उस काबिल मत बनाना, लेकिन पड़ोस में जो है उस पर गर्व करना क्योंकि वो आपको रोटी दे रहा है, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि अच्छा एक बात बताओ, जो आप लॉजिक कर रहे हो कि अब तो उसने USA को डरा दिया है, USA के बराबर पहुंच गया है, तो क्या चाइना
पैदा होते ही यूएसए के बराबर था या धीरे धीरे उसने मेहनत करके तब जाकर यूएसए के बराबर हुआ है? वही काम भारत भी कर रहा है। तो आप कहां हो इस रेस में? तो वही लॉजिक जो चाइना पे अप्लाई होता है कि उस वो अब चाइना यूएसए के बराबर आ गया है, यही लॉजिक आज से 50 साल बाद, पता नहीं दुनिया होगी कि नहीं होगी, लेकिन 50 साल बाद अगर होगी तो ये जरूर होगा कि देखो भारत भी जो है ना वो सबके बराबर पहुंच गया है। सेम लॉजिक जो चाइना के साथ हुआ, जो जैसा चाइना ने किया वैसे ही हमारे साथ भी होगा, हम भी वही कर रहे हैं। धीरे धीरे हम भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन करते जा रहे हैं, हमारी कंपनीज जो हैं स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो यूनिकॉर्न्स बनती जा रही हैं लगातार बहुत तेजी से। आप कहाँ हो रेस में? कहीं नहीं हो रेस है, रेस में हो ही नहीं आप। तो एक रूलिंग सिचुएशन में जा रहा है और जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है सर, जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप चाइना को इंशाल्लाह सुपर पावर देखेंगे और वो एशिया पे तो अभी राज कर ही रहा है, वो दुनिया पे राज करेगा सर। इंडिया कर रहा है तो चाइना भी कर रहा होगा, वो अगर उसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो चाइना ने भी उसकी प्रिपरेशन की होगी, उन्होंने भी रेंज वो मिसाइल इतनी रेंज के बनाए होंगे, जैसे 5000 आपने इंडिया कहा, चाइना के पास भी ये होंगे डेफिनेटली। अगर उन्होंने काम किया अच्छी बात है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर जहाँ पर होता है वहाँ पर काम भी अच्छा होता है, उनका कंप्यूटर है तो उन्होंने अपने मुल्क को स्केयर भी किया है। ये तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह का काम करना चाहिए जैसे बहुत कंट्रीज़ कर रही हैं, चाइना और इंडिया। इंडिया ने अब ये करना ही था, वो अगर तजर्बा ना करता तो वो चाइना के नीचे लग जाता, क्योंकि चाइना ने पहले देखा जा सकता है कि पहले थोड़ा कुछ अर्सा पहले ही काफ़ी प्रेशर में रखा है इंडिया को, काफ़ी फौजी मारे हैं इंडिया के, नुकसान तो हुआ था, इंडिया को पता था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो मसला पैदा हो जाएगा इंडिया के लिए, ये ना हो कि हमारा पूरा मुल्क ही अब चाइना के हाथ चले जाए। तो इसलिए इंडिया ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट की वजह से वो उसने तजर्बा किया और कामयाब हो गया। अब मेरे ख्याल से कि चाइना थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा कि अगर हमने थोड़ी सी भी हलचल मचाने की कोशिश की तो हमें नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। चाइना अभी तकरीबन भी इंडिया से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है कि एक जिसको सेंचुरी लगेगी इंडिया को चाइना तक पहुंचने के लिए, क्योंकि चाइना अभी तक का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एटमी ताकत है अभी तक की, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी उसके मुकाबले तक पहुँच सकेगा। सर, आपको नहीं लगता जिस हिसाब से इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है तो वो उसकी दोनों एशिया में जो है वो कंपटीटर बनते जा रहे हैं इंडिया और चाइना? बिल्कुल बनते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका अपना जो बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ तो वो तो कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से वो अपने जो दुश्मन है वो ज़्यादा ही बना रहा है। तो इस तरह ही हम जज्बा रखते हैं, मुसलमान भी जो कम्यूनिटी है वो जज्बा रखती है जहाद के लिए, तो अगर कभी को ज़रूरत पड़ी भी सही इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए तो हम भी आ जाएंगे। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 5000 से 7000 से 8000। मैं क्या बोलूँ इस पे, कर लो भैया जिहाद, करो करो जिहाद, जिहाद के चक्कर में तो तुम्हारी ये हालत हो रही है, दुनिया भर में मारे जा रहे हो, पिट रहे हो, बदनामी अलग हो रही है, और उसके बाद देखिए कहेंगे जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, करो जिहाद भाई, हम भी इंतजार में हैं, करो जिहाद तक भी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है गिने चुने 5-6 मुल्क में शामिल होता जा रहा है जो इस टाइप की मिसाइल या इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस में रखते हैं? ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल हो गया है, जिसमें इकॉनमी वाइज बात कर लें या डिफेंस वाइज बात कर लें या आईटी सेक्टर वाइज बात कर लें, आपको क्या लगता है इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे तो ये सब पहले अभी आपने 5000 कहा तो मैं उस पर शॉक हो गया था, 5000, लेकिन अब आप कह रही 7 से 8000 तक जा सकती है, उसका मतलब है कि ये मिसाइल कितनी पावर रखता है। तो अगर देखा जाए तो मेरी तो विश है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ में ऐसा कुछ करे कि किसी तरीके से ऐसा मिसाइल हम भी बना लें, फिर हमारी भी वाह हो जाए, जैसे 1998 में हमारी एक बार जिसको कह पूरी दुनिया में एक नाम हो गया था, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये भी काम हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो मेन पर्सन है अब्दुल कदीर खान साहब, जो लेजेंड है इस वक्त पाकिस्तान के, जो इस वक्त इंतकाल कर चुके हुए हैं, उनके जैसा बंदा दोबारा नहीं पाकिस्तान में आ सकता, और ऐसा मिसाइल अगर पाकिस्तान बना ले, पूरी उम्मीद करता हूँ बना ले, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कौन बनाएगा। रही बात इंडिया की, तो मुझे तो लग रहा है अभी आप 5000 से 8000 रेंज की बात कर रही हैं, 2 महीने बाद मे भी 10000 से 12000 रेंज वाला भी मिसाइल आ जाए, इसको तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बहुत फास्ट हो गया हुआ है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो हमें बहुत फास्ट होना पड़ेगा। डिफेंस सिस्टम में अगर इंडिया अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है, इंडिया ने जिस तरह उनकी रेंज भी अब बेहतर होती जा रही है, वो बेशक दुनिया के उन चंद ममालिक में काउंट हो सकता है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी भी पावरफुल है। नो डाउट कि इंडिया के पास जो आईटी है, आईटी जो इंडिया के पास है वो हमारे पास नहीं है,
लेकिन इंडिया के पास जो जोहरी तवानाई है ना सर, वो अभी इतनी ज़्यादा ग्रूम नहीं हुई। वो अभी अगर उसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत जिद्दत आई है, उसने अपनी रेंज भी डेवलप कर ली है, उसने अपनी उस जौहरी तवानाई में मज़ीद बेहतरी को सामने लेकर अगर वो लोग आ रहे हैं तो कुछ मुल्कों में आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो जंग होती है ना सर, वो दम से जीती जाती है, वो एक भार भरम से जीती जाती है, वो पटकों से नहीं जीती जा सकती। इंडिया के पास वो भार भरम नहीं है, वो दबका नहीं है, वो शबशबा नहीं है, वो शशका नहीं है। ये बना लें जितनी सारी जितनी चीज़ें बनाते हैं, और अगर इन्होंने बनाया है तो हमारे पड़ोसी हैं यार, मैं आपको वेल एंड गुड कहता हूँ अगर आपने इस तरह की अपनी रेंज को। बेचारी रिबाहा भी परेशान हो गई है कि कितना झूठ सहूं मैं यार उनके कान से। मुझे लग रहा है ना कि दर्द होने लग रहा होगा कान में कि यार इतना झूठ। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन भाई साहब के झूठ पर वो बेचारी मन महसूस कर रही है कि यार क्या बोल रहा है ये बंदा, कितना बेवकूफ है ये। हर जंग भारत से हारा है, उसके बाद भी इसकी जबान से ये बातें कैसे निकल सकती हैं, आप सोचिए जरा। कुछ बेहतर किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज इंक्रीज योर भरम, डेवलप योर भरम, भरम थोड़ा लेके आए और फिर जाके कहीं बात बनेगी। आपको याद होगा 1965 में हमने क्या किया था इनके साथ, याद है ना आपको? आप जिस डिफेंस डे को हम बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, आपको याद होगा, तो ये सब उस वक्त भी ये हमसे कई गुना बड़े थे। अब ये टेक्नोलॉजी में जितने बड़े हो जाएं, अपने आप को जितना इन्हेंस कर दें, ये उतने नैरो होंगे। इंडिया एजुकेशन में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी मेहनत करके आगे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इंडिया आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा मुल्क बन जाए कि वो किसी के प्रेशर में ना आए। तो ये उसका टैलेंट भी है, हो सकता है कि अल्लाह की मदद भी हो। रुको यार, मैंने एक वीडियो बनाया है डिफेंस डिटेक्टिव पे 1965 वॉर पे, और आप सबको तो पता है मैं बिना सबूतों के बात नहीं करता। उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तान के लोगों ने ही अपने राइटअप्स के जरिए, अपनी बुक्स के जरिए 65 की जंग की बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की थी, जिसमें पाकिस्तान को जब फटके पड़े थे वो पाकिस्तानी ही बोल रहे थे। तो थोड़ा सा दिखाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। यह पाकिस्तान का अखबार है द नेशन, इसमें एक आर्टिकल छपा जिसकी हेडिंग थी 1965 हाउ पाकिस्तान ओन द वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा। हिंदी में इसका मतलब होता है कि 1965 में कैसे पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा की जंग जीती। यह आर्टिकल लिखा था हैदर इम्तियाज ने। तो हैदर इम्तियाज साहब लिखते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी की नाकाम कोशिश ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में नहीं पता है, जो उन्होंने कश्मीर में किया था। उनके इसी ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद भारत ने लाहौर पर हमला किया था, करगिल हाइट्स और हाजीपीर को भारत ने जीत लिया था, लेकिन इसका जिक्र पाकिस्तान की किसी भी किताब में नहीं है। आज के ज्यादातर पाकिस्तानी 1965 की जंग में पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी इस जंग के बारे में जो जानकारी है वो स्कूलों में दी गई झूठी जानकारी है। शब्द पे गौर कीजिए, झूठी जानकारी है। तो देख लिया ना आपने, तो पूरा वीडियो आप डिफेंस डिटेक्टिव पर जाके देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान के नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डिफेंस डिटेक्टिव पर जाइए, उसका लिंक भी मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और आपको बड़ा मज़ा आएगा वीडियो देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अब मुसलमान नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा माने रखती है। अगर आप कामयाबियां हासिल कर रहे हैं तो इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी, दूसरे ममालिक को भी आगे बढ़ना चाहिए कि एक मुल्क ऐसा जिसमें गुर्बत भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत है, अगर इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पर तो ऐसे लोग भी हैं जिनको वाशरूम मैसर नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे जा रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, आईटी के डिपार्टमेंट में मेहनत कर रहा है। वो मिसाइल का जिस तरह से किया उसने, तो वो देखा जा सकता है कि वो एक अपना जो गोल है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, जिस तरह उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, आपको इसके बावजूद लगता है कि वहाँ पर वॉशरूम मुयस्सर नहीं होंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल वो है, उसकी आवाम ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो वो ऐसा है, वहाँ पे तनासुब है इस चीज़ का कि वहाँ पे बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिनको घर मुयस्सर नहीं है, वॉशरूम तक मुयस्सर नहीं है। एक ऐसी कम्युनिटी है वहाँ पे जो अभी तक है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो अलग बात है, शायद हुकूमत की तरफ से ना अहली है, वो इस चीज़ को कह सकते हैं हम। अच्छा, आपकी सारी बातों से ये लग रहा है कि आप जो उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, जो उन्होंने सक्सेसफुली अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब आपके नज़दीक? भाइयों, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने एक और वीडियो बनाया है
चैनल डिफेंस का था, लेकिन डिफेंस का है, जियोपॉलिटिक्स का है, लेकिन उस पर मैंने टॉयलेट को लेकर वीडियो बनाया क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, टॉयलेट भारत में टॉयलेट नहीं है, लोगों को टॉयलेट नहीं मिलता, ये नहीं है, वो नहीं है। उसका भी लिंक मैंने नीचे अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और पता है मेरे पास हजारों की संख्या में मैसेज आते थे, लेकिन जब से उस वीडियो को बनाया मैंने उसके बाद से ये मैसेज कम होते अब इक्का दुक्का आ रहे हैं। और बड़े दिनों बाद मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से सुना है कि भारत में लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। तो प्लीज वो वीडियो जाकर देखें और तय करें कि टॉयलेट भारत में है, नहीं है या फिर पाकिस्तान में नहीं है, जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेस्ट है टेक्नोलॉजी वाइज, बिल्कुल बेस्ट है। अगर एक मुल्क अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को महफूज करने के लिए इस तरह के तजर्बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट है और उसको करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, मेरे ख्याल से बेस्ट है। तो फिर आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपने मेज़बान रबाह इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और मुझे वीडियो देखकर बड़ा मज़ा आया यार, कि मुझे इस बात का अभी भी एहसास हुआ है कि भाई पाकिस्तान के लोग बदलते नहीं हैं, एक बार जो बात सोच ली वो सोच के बैठे हुए हैं, भले उनके सामने लाखों सबूत पेश कर दो, लाखों चीज़ें सामने लाकर रख दो, सच दिखा दो, तब भी नहीं, मानना ही नहीं है बॉस। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप समझिए और आपके मुल्क की हालत क्या हो रही है, वो आज तो सबको दिख रहा है कि टीएलपी किस तरह से आपकी सरकार की बैंड बजा रही है और लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों की कमर टूट गई है, वहाँ पे डॉलर जो है वो 180 के करीब पहुँच चुका है, हमारा डॉलर तो 70-72 रुपये के आसपास है, आपका 180 रुपये के करीब पहुँच चुका है, मतलब 173-174 तो अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले। तो आप समझ रहे हैं कहीं मुकाबला नहीं है बॉस, कहीं मुकाबला नहीं है भारत का पाकिस्तान का, और हम तो पाकिस्तान को गिनते भी नहीं है यार, हम तो सीधे अब यूएसए, चाइना, रशिया उधर ही देखते हैं। और अब बहुत जल्द $5 trillion की इकोनॉमी होने वाली है, और अब ट्रिलियन तो छोड़िए, आपकी इकोनॉमी बिलियन तक भी है कि पता नहीं पता नहीं। तो और आगे जिस तरह का भविष्य आपका नजर आ रहा है, आप कर्ज के तले दबते जा रहे हो, तो आपका भविष्य कोई उज्जवल नजर आ नहीं रहा है। और भारत ने जो अग्नि 5 का टेस्ट किया है ना, अग्नि 5 मिसाइल बहुत पहले से बना चुका है और बहुत पहले से चाइना उस पर सवाल उठाता रहा है कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ये तो हमने फिर से ट्रायल किया, एक और यूजर ट्रायल किया, अपग्रेड वर्जन है ये, इसमें कई चीजें हमने अपग्रेड की है, नेविगेशन अपग्रेड किया है, फ्यूल कैपेसिटी अपग्रेड की है, इसकी तकनीक में सुधार लाए हैं, जो इसका एक्यूरेसी है उसको हमने सुधारा है और ज्यादा एक्यूरेट हो गई है। तो हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान, हमें पता है कि पाकिस्तान तो वैसे ही डाउनग्रेड है, हम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, आप रॉकेट की रफ्तार से नीचे आ रहे हो, 24 Mach की रफ्तार से आप नीचे आ रहे हो, समझे आप। वो एक भाई साहब कह रहे थे कि भारत को चाइना तक पहुंचने में 100 साल लगेंगे, अच्छा देखते चलिए कितने साल लगते हैं, बहुत जल्द चाइना को डेवलप होने में 100 साल लगे क्या, हमने भी वही रफ्तार पकड़ ली है, तो चिंता मत कीजिए। और चाइना का डाउनफॉल शुरू हो चुका है ये मानिए, और अगर अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो जिस तरह से चाइना पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और जिस तरह से वो बौखलाहट दिख रही है उसकी, चाइना की, कि ताइवान पर हमला कर दूंगा, इधर भारत से भी पंगे कर लो, उधर उससे भी पंगे कर लो, यूएसए से भी पंगे कर लो, कितने मोर्चों पर लड़ोगे भाई, नहीं लड़ पाओगे, पूरी दुनिया एक तरफ और चीन पाकिस्तान एक तरफ, तो फिर देखते रहिए क्या होगा, ये तो कोई भी बच्चा भी समझ सकता है। और चीन अभी लड़ने की हालत में नहीं है क्योंकि चीन की सारी इकोनॉमी जो है वो हम सब पर है और हमने धीरे धीरे उसके कान कसने, पेच कसने शुरू कर दिए, तो देखते रहिए क्या क्या होता है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा पहली बात, मैं अग्नि 5 की बात कर रहा हूं, अग्नि 5 की रेंज जो है ना, जो दुनिया के सामने लाई गई है वो 5000 किलोमीटर, 4-5000 बताया जाए,
लेकिन हकीकत में इसकी कहते हैं कि जो रेंज है ना वो 8,000 किलोमीटर है। 8,000 से भी बात करते हैं, इंडियन कुछ क्लेम करते हैं कि 8,000 से भी इस अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो ज़्यादा। फिर इस पर एक और बड़ी मज़ेदारी बात, अग्नि 5 की जो टेस्ट हुआ था इसकी जो हेड थी वो एक औरत थी, क्या नाम था उनका, सीना, आई थिंक सीना उनका नाम था, अगर मैं गलत नहीं सॉरी यार गलत नाम ले लूँ, लेकिन इतना मुझे पता ज़रूर है उस टेस्ट की जो हेड थी ना अग्नि 5 की, अब जो रिसेंटली ये हुआ है वो एक औरत थी, है कि उधर औरतों को इतनी देखे आज़ादी है, इतनी वो बढ़ चढ़ के बराबरी के साथ काम कर रही हैं इंडिया के अंदर कि वो उनके मिसाइल, फिर कहते हैं कि भाई औरत अधूरी होती है, औरत अकल आधा होता है, औरत कम होती है, कमज़ोर होती है, तो फिर वो हेड कैसे। इतना बड़ा टेस्ट इंडियन हिस्ट्री का, ये बहुत बड़ा टेस्ट था, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं इसमें, अगर नाकामी हो जाए तो इसमें बेइज्जती भी होती है, बड़ा कुछ होता है सुनने को, लेकिन उनकी जो उनको हेड कर रही थी वो एक औरत थी। भाई ये बात बाकी हिसाब से बल आप पाकिस्तान की बातें हैं, पाकिस्तान की जो है ना, एक भाई जो है ना वो इंटरव्यू में कह रहा था कि जितनी भी वार्स हुई हैं उसमें सब में पाकिस्तान ने, पाक आर्मी ने जो है ना इंडिया को, इंडियन आर्मी को धूल चटाई है। मानते हो? नहीं मेरी बात सुने, सभी में नहीं, खैर मतलब के ना 65 की कह लें और जो है ना 1971 की जो वॉर थी उसमें तो कोई वॉर हुई नहीं, ये क्लियर है। ये बार हुई थे सिलेंडर के, सिलेंडर कर दिया था उन्होंने का, अच्छा गोली चली थी दोनों साइड से, कितने जो सोल्जर है मारे गए थे दोनों साइड पे, वार हुई है नहीं, देखें कि वार वार हुई है, मैं ये तुम्हें साबित कर देता हूँ, कर दो साबित, तुम कर सकते हो, मानना नहीं तुमने, तुम ब्लैक कवे को जो करो उसको तुम व्हाइट कर सकते हो तो करके दिखाओ, कर सकते हो भाई अपनी बातों से, लेकिन जो हकीकत है वो बदल नहीं सकती लोगों के कहने से। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लें इसको। जी जी देखें कि उन्होंने कहा था कि सरेंडर करना है कि लड़ना है, हमारी आर्मी ने उसको डॉलर्स खाने की खातर लेने की खातर वो बगैरत हमारा जनरल न्याजी कमीना आज हमारा आज हमें चलेंगे कम से कम ये था कि हम आज इंडिया को आंखों में आके मिलाकर बात तो कर सकते हैं, उस बगैरत ने इस काबिल भी नहीं हमें छोड़ा, उसने सरेंडर कर दिया वहां पर। पाकिस्तान में रहना कहीं और जाना है वो भाई, वो जनरल लियाजी नहीं था, वो तो सिर्फ वहां पे कमांड कर रहा था, वो हेड करने वाला हेड था, वो याह्या खान था, बिल्कुल ये जनरल वो था, तो उसको जैसे ऊपर से ऑर्डर आने थे उसने वैसे ही करना था भाई। वॉर जिस वक्त हो रही तो तुमने बात की है ना कि मैं साबित कर देता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये हुआ था। देखेंगे 2 हफ्तों का बताया गया था बीबीसी न्यूज के मुताबिक के जो है ना सामान या मतलब के जो वेपन्स वगैरह वो पाक आर्मी के पास मौजूद थे इंडिया के साथ लड़ते 2 हफ्ते, देखेंगे क्या उसके बाद फैसला होता है, क्या होता है, वो बगैरत लड़े ही नहीं है और आज हमारी आंखें जो है ना हम बात नहीं कर सकते, वाकई भी शर्म महसूस होती है उस वक्त। शर्म इसमें आपकी महसूस होनी है भाई, आपकी आर्मी ने अच्छे तरीके से आपकी इज्जत अफजाई की है, उधर खाए हैं पौले। दूसरा भाई जो है ना वो जो है ना उसको जब थोड़ी शर्म महसूस होती वो क्या था कि चले चले हो गया उसको तो ही मतलब जो चाइना को उसने बात कर दी कि जो है ना इंडिया जो है ना चाइना से कभी वॉर नहीं कर सकता, अगर कर उसने की तो अपनी बात 1962 की वॉर की तरह भी वो हार जाएगा। नहीं 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 देखें ये इंडिया, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी भी सुन लो, मैं बात करूं आमने कंपैरिजन वीडियो एक की है ना इंडियन आर्मी वर्सेस चाइनीज आर्मी, तो भाई आपने डिफरेंस देखा कि कितना है, कहीं भी इंडियन आर्मी उनके पास को भी नहीं गुजरती कहीं भी। अब बात आप कर लें इंडियन और भाई बात तो यह इंडिया और चाइना की वार होने वाली नहीं इतनी जल्दी, हाँ अगर होती है अच्छा होने वाली नहीं है, जो अभी हजारों की तादाद में जो सोल्जर जो हैं इंडियन आर्मी ने वहां पर चाइना के बॉर्डर पर क्यों तैनात कर दी है, क्योंकि हाल ही में क्योंकि उधर से ना चाइना को क्योंकि उनकी गुट्टी में शामिल है, ये भी ले लो वो भी ले लो वो भी ले लो, आप हो सकती है कभी भी हो सकती है, सुन लेना मैं कहता हूँ इतनी जल्दी नहीं होने वाली, बड़ी मुश्किल है, फुल स्केल वार में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कंट्री कर रहे हैं डेवलप, तरक्की कर रहे हैं, और कोई भी डेवलप कंट्री करता ये नहीं चाहता कि मेरी इकोनॉमी रुके या मैं किसी झंझट में फंसूं, तो ना इंडिया चाहेगा कि हमारी वार हो और ना ही ये तो चाइना चाहेगा। हाँ मेरी बात सुन ले, तुमने कहा कि इंडिया जो उसके सामने टिकता नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इंडिया और चाइना की अगर वार होती ना
लग पता जाना चाहना तो हमारे साथ हुआ क्या है? नहीं चाइना को कोई पता नहीं लग रहा, ये दोनों का यार नहीं मेरे पास भाई। देखो चाइना ने भी हाथों में यार इसको बोलना था ना पहले की निस्बत, और बात की आप जो है इंडिया वो भी काफी ग्रो कर चुका है भाई, फर्क है। ये मैं मानता हूँ कि इंडिया और चाइना में वेपन्स का फर्क है, मिलिट्री का फर्क है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, इतना डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपके कंट्री से कई गुना ताकतवर है इंडिया। नहीं हमारे मैं यार अपना पहले से नहीं लेने किया, एक भाई कह रहा था असल में पता बात के मैं बताता हूँ कि वो जो ना नेक्स्ट इसका जो वो भाई दूसरे बोल रहे थे वो असल में ना पता बात क्या, इंडिया और चाइना की वार कभी होने वाली इतनी जल्दी नहीं है, अगर होती है तो मुझे नहीं लगता होगी। अच्छा जो कंट्री अपनी ट्रेड नहीं बंद कर सकते उन्होंने लड़ना क्या, वैसे धमकियां एक दूसरे को काफी देते हैं एलएसी पे लेकिन आप कितने सालों से सुन रहे हैं कि भाई आपस में उनकी नोक झोंक चल रही है, वो तो पाकिस्तान की इंडिया के साथ चल रही है, ऐसे तालिबानों के साथ भी चल रही है, ईरान के साथ भी चल रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनकी जो है ना फाइट जो है ना मुझे लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि भाई वो दोनों कंट्री जो है ना तरक्की कर रहा है यार, और जो देश तरक्की करता है ना भाई तो वो इतना जल्दी लड़ाई पर मैं कूदता नहीं, 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 नहीं। लड़का भाई कह रहा था कि हमें चाइना पर फख्र है, तो उनको यार पाकिस्तानी हो गए चाइना पे फख्र है, चाइना उनको रोटी देता है, ये भी गलत है यार। मैं चाइना के फेवर में काफी बोलता हूँ लेकिन ये गलत है, हमें उस पर कोई फख्र नहीं होना चाहिए, हमें अपने खुद पर होना चाहिए। अच्छा बातें काफी होती हैं आपको अपने भी नहीं, लेकिन जब जब बात आई ना अब्दुल कदीर खान की बात आई तो लोग सर ने ना स्पेशल वीडियो पोस्ट की और उस पर बोला कि यार आप देख लें कि आपने अब्दुल कदीर खान चाहे उसने हमारे खिलाफ ही क्या किया उसके साथ क्या सलूक किया, क्या सलूक किया देख लें, तो वो कह रहे थे कि हम अपने हीरोज को याद रखते हैं, बिल्कुल ये सच बात है, उन्होंने कई ऐसी चीजें जो नाम उनका आप देखो कितनी बड़ी वो बनाई हुई है उनकी बिल्डिंग, वो क्या पटेल साहब की है, पटेल साहब की थी गांधी जी की, नहीं नहीं गांधी जी की नहीं है यार, वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो एक दरिया के नदी के किनारे पर भी है वो बनाया हुआ है, मतलब वो अपने पूरे के पूरे जो है ना हीरोज को भूलता नहीं है, ये सिर्फ वो है जो सियासी हीरो है, उसके अलावा कितने इनके ऐसे इंडिया के अंदर ऐसे जगह हैं जो उनके अब डॉक्टर अब्दुल सलाम देख रहे हैं, जो उनके वो सदर भी रह चुके हैं, जो उनके जो है अपने पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहे थे, ठीक है ना, मिसाइल सिस्टम है, जो उनके दूसरे सिस्टम के हेड भी थे उनको याद रखा हुआ है, उनकी इज्जत भी करते हैं आज भी करते हैं, उनका नाम एहतराम से लेते हैं इंडियन के हाथ, लेकिन हमने क्या किया हमारी उस आर्मी ने क्या किया उसको नज़र बंद कर दिया, वो बेचारा मैंने उसकी लास्ट टाइम मतलब मरने से कुछ चंद महीने पहले मैंने उसकी वीडियो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा है। हाँ वो उसके दूसरे के साथ है, वो जो एंकर है वो क्या मुख्तलिफ जो है ना शख्सियत लेता है उसके साथ है, क्या नाम है उसका यार, वो फुटपाथ पर बैठा है, मौसम पाकिस्तान वैसे उसे कहते हैं, लकब उसको मौसम पाकिस्तान का दिया हुआ है, लेकिन नजर बंद किया और फुटपाथ पर बैठने पर मजबूर कर दिया, ये है पाकिस्तान के असल में पाकिस्तान के साथ खेलते जो खेल रहे हैं सोल्जर बेचारे, हमारी आवाम का कोई कसूर नहीं है, वो भी कहते हैं कि हमें आवाम ने बड़ी मोहब्बत दी है, और जो पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने बोला मुझे चाइना पर फख्र है उसको चाहे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए, नहीं नहीं हमें चाइना पर नहीं, चाइना क्या आपने कभी नहीं बोला और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बोलूंगा भी नहीं, चलो जी ख्याल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।